मॉनसून सत्र में मौसम बिगड़ा, लेकिन संकेत बीते कई दिनों से मिल रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी आशंका जाहिर की थी कि घमासान होगा। उधर राहुल गांधी दहाड़ रहे थे कि किसी भी हाल में हम इस्तीफे से कम में नहीं मानेंगे। हालांकि बाद में बहस तक भी बात आई, लेकिन आज सुबह आपको बता दें सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ संबित पात्रा जी, पीएल पुनिया जी, भगवंत मान जी लगातार बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आज जब सदन की कार्यवाही शुरू होनी थी उसके पहले प्रधानमंत्री हमेशा की तरह मीडिया के सामने आए, सदन में कामकाज पर खुलकर बोला, विपक्ष से सरकार की अपेक्षाओं की झलक भी दिखी, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज तक के सवालों का जवाब नहीं दिया। जरा सुनिए। सेशन के चलने की उम्मीद है क्या? देख, कांग्रेस ने आज एडजमेंट मोशन के लिए नोटिस दिया है, मुद्दा उठाना चाहते हैं। आप सरकार तैयार है बहस के? पक्ष लगातार ये भी कह रहे हैं कि आप अपनी चुप्पी जवाब नहीं सवाल आपको कई सारे सवाल पूछे गए संबित पात्रा जी, प्रधानमंत्री सब पर चुप रहे। अब मनमोहन सिंह जी तो कहते थे कि मैं चुप रखकर सवालों की आबरू रख रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसे सवाल थे जो जरूरी थे, जो मीडिया की तरफ से, जनता की तरफ से पूछे जा रहे थे, आखिर उस पर मौन क्यों? देखिए, जहां मनमोहन सिंह जी सवालों के जवाब नहीं देकर कहते थे कि वो सवालों का आबरू रख रहे हैं, वहीं मोदी जी ने काम के माध्यम से जवाब दिया। पहला प्रश्न आज तक का यही था ना कि विपक्ष चाहती है कि स्थगन हो और चर्चा हो, और खुद प्रधानमंत्री के जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं अरुण जेटली जी ने, उन्होंने संसद पे खड़े होकर कहा कि अगर विपक्ष चाहती है कि स्थगन हो और चर्चा हो, हम तैयार हैं, अभी इसी वक्त सुषमा जी आएंगी और इस पे बयान करेंगी। तो हम कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। संबित जी, मैं अपने सवाल पर लौट रही हूँ। प्रधानमंत्री क्यों चाहते हैं हमेशा की एक तरफा संवाद हो? पत्रकार के सवाल का जवाब क्यों नहीं, उस पर सिर्फ मुस्कुराहट क्यों? या तो उन्हें वो सवाल बेमानी लगते हैं, या उनको लगता है वो इस सवाल इस लायक नहीं है। आखिर वजह क्या है, एक तरफा संवाद क्यों? देखिए अंजना जी, मैं भी बहुत ही दिल की गहराई से पूछना चाहता हूँ, क्या महत्वपूर्ण है सवाल का जवाब उस समय देना या जिस विषय को लेकर सवाल किया गया हो उस काम को अंजाम तक पहुँचाना? और मैंने अभी आपको उदाहरण देके समझाया कि जो पहला प्रश्न पूछा गया था उसकी भूमिका बांधी गई थी, वो कुछ मिनटों के अंदर राज्यसभा में होता हुआ दिखाई दिया कि चर्चा चाहती है सरकार और तुरंत चाहती है सरकार। तो जवाब तो आपको काम करते हुए मिल गया ना, केवल मौखिक रूप से जवाब चाहिए ऐसा क्यों? जो काम मीडिया चाहता था, जो काम हिंदुस्तान चाहती थी, वो काम हमने जवाब के रूप से खुद सदन में दिया। क्या उनकी दलील सही है? वो कह रहे हैं कि हमने काम से इसका जवाब दिया। नहीं, देखिए इस बात पर मैं संबित जी से सहमत नहीं हूं। हमें हर रोज जो है हर रोज बेल में जाकर भी कहना पड़ता है बहुत बार कि ट्विटर प्रधानमंत्री कहाँ गए। हर बात पे ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री हमारे, मनमोहन सिंह जी को मौन मोहन कहने वाले, और अब खुद मौन उसी मोड पे, साइलेंट मोड पे आ गए, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी संसद में आके जवाब दें कल, तो मेरे ख्याल में बहुत सी समस्याओं का हल हो सकता है। प्रधानमंत्री क्योंकि वो कैप्टन हैं इस टीम के, तो कैप्टन अगर नहीं बोलेगा, कैप्टन अगर नहीं बताएगा कि जो गलतियां हुई उनकी टीम से, उसके बारे में अगर वो पक्ष नहीं रखेंगे, तो विपक्ष का उत्तेजित होना स्वाभाविक है। तो अगर ऐसे ऐसे संसद को लावारिस छोड़ देना भी अच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री जी को आकर कल इस मामले में जवाब देना चाहिए ताकि संसद आगे चल सके और लोगों के टैक्स का पैसा जो है वो ऐसे बेकार ना जाए, वरना नारे लगा के अर्जन करा के आप 12 बजे तक, उसके बाद 12:30 बजे तक, उसके बाद पूरे दिन के लिए, ये कोई जीत नहीं है विपक्ष की। मैं विपक्ष में हूँ, मैं भी चाहता हूँ आवाज़ उठानी। मेरे संसदीय क्षेत्र के, मेरी स्टेट के बहुत से मसले हैं जो लोग इस संसद मानसून सत्र से उम्मीद कर रहे हैं कि शायद हमारी आवाज़ इस सत्र में उठेगी, लेकिन इस सत्र में दो बड़ी पार्टियां आपस में टकरा करके सत्र को खत्म कर दें, ये अच्छा नहीं है लोकतंत्र। संबित जी, आप जो कह रहे थे जल्दी से बोलिए, फिर पुनिया साहब के पास जाओ। देखिए, अभी भगवंत मान जी ने अपने प्रश्न में ही उत्तर दिया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री अपनी टीम के कैप्टन है,
बिल्कुल सही कहा। आप देखिए, जब टीम होता है और उसमें कैप्टन होता है तो स्वाभाविक रूप से टीम को भी खेलना पड़ता है। क्रिकेट केवल कैप्टन ही खेले, वही बल्ला उठाए, वही बॉलिंग करे, वही कैच कर ले, वही फील्डिंग करे, ऐसे नहीं होता है। तो इंतजार करिए ना, टीम तो खेलने के लिए तैयार है, आप तो गेंदबाजी करना देने नहीं चाहते। आप फील्डर को बोलते तुम भी हट जाओ, केवल कैप्टन रहे, ऐसे नहीं होता ना। लेकिन अगर प्लेयरों पर फिक्सिंग के इल्जाम लग रहे हो तो दबाव कैप्टन को देना पड़ेगा जी। ना ना ना, फिक्सिंग का इल्जाम आप लगा रहे हैं, वो वास्तविकता क्या है वो प्लेयर खुद तो कहेगा ना, और प्लेयर तो तैयार है। हम तो चाहते हैं कि अभी के अभी प्लेयर अपने विषय को रखे संसद में, प्लेयर भी तैयार है, टीम के वो सदस्य भी तैयार है। मगर आपकी गड़बड़ी वही है कि आप चाहते हैं कि केवल कैप्टन ही खेले और बाकी पूरी टीम जाके पवेलियन में बैठे, ऐसे संसद नहीं चलता है साहब। पुनिया जी, देखिए प्रधानमंत्री जी स्वयं चल के और मीडिया के पास आए तो उम्मीद करते हैं कि वो मीडिया से इंटरेक्ट करेंगे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी कभी आए इस तरह से तो कभी उन्होंने ऐसा मायूस नहीं किया। पत्रकारों ने जो सवाल पूछे उन्होंने जवाब दिए, खुल के जवाब दिए। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात नहीं है। और जो अक्सर कहते थे उनको मोहन सिंह कहते थे, इनको नरेंद्र मोदी के बजाय मोनेंद्र मोदी लोग कहने लग गए हैं। जगह जगह छोटे छोटे मामलों में ट्वीट करते हैं, और जो समाज के सामने पूरे देश के सामने जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो किसानों से संबंधित बिंदु है और जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो जिससे डेडलॉक है आज पार्लियामेंट में, वो बिंदु है उसके ऊपर जनता सवाल पूछ रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये उचित नहीं समझा कि उसका जवाब दिया जाए। तो मैं समझता हूँ उससे अगर चल के आते और अपना खुलासा करते तो हो सकता है कि आज जो स्थिति है उसमें बदलाव होता और स्थिति सामान्य होती। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए सरकार, आज का डेडलॉक है उसके लिए सरकार स्वयं दोषी है। देखिए, हाँ देखिए अंजना जी, अभी जो कह रहे थे पीएल पुनिया साहब कि मनमोहन सिंह जी ने कभी भी मायूस नहीं किया मीडिया को, बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए, तो मुझे लगता है उसमें मेरा मुस्कुराना ही काफ़ी है, जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक मौनेंद्र की जो बात कही गई, एक सेकेंड मौनेंद्र की जो बात कही गई, एक बात मैं आज आपको बता दूँ, मौन और वाचाल में बहुत फर्क होता है। मौन होना जिस प्रकार से गंभीर विषय है, वाचाल भी नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री वाचाल नहीं है, प्रधानमंत्री तौल के बोलते हैं और कर्म के माध्यम से बोलते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो प्रश्न उनसे पहला पूछा गया उसका उत्तर, एक सेकंड पीएल पुनिया साहब आप बड़े हैं, रुक तो जाइए, जो पहला प्रश्न पूछा गया उस पहले प्रश्न का उत्तर चंद मिनटों के अंदर किस प्रकार संसद में कार्यान्वित करके दिखाया गया कि हम चर्चा चाहते हैं। कौन सी बात क्या हो गई? तो मीडिया के पास क्यों गए थे? अरे जैसे पार्लियामेंट में करते हैं वैसे यहाँ डिबेट में तो मत करिए, डिबेट को डिस्टर्ब मत करिए। मेहरबानी करके सुन लीजिए, जिम्मेवारी के साथ इसका उदाहरण मैं देता हूँ, मत बोलिए, इसका उदाहरण मैं देता हूँ। देखिए भगवंत मान जी सवाल पूछना चाह रहे हैं संबित जी आपसे। भगवंत मान जी पूछिए। संबित जी मेरा एक सवाल है आपसे। आप चाहते हैं चर्चा हो, आप चाहते हैं हमारे जो मंत्रीगण हैं वो जवाब देने के लिए तैयार हैं कि संसद चलनी चाहिए, यही इसी विषय पर हमारा आज का जो बहस चल रही है। क्या आप मुझे बताएंगे जो 15वीं लोकसभा के आखिरी 6 महीने बीजेपी ने नहीं चलने दिए, तब शायद जो सत्ता पक्ष था वो भी डिबेट के लिए तैयार था, क्या वो लोकतंत्र है? इसलिए जो बीजोगे वैसा काटोगे, तो मेरे ख्याल में वो लोकतंत्र था। क्या आप इस बात का जवाब देंगे जो आपने 6 महीने लास्ट 6 महीने आपने नहीं चलने दी पार्लियामेंट? तो शिक्षा लेकर नहीं चल रहा है ये काम? था एक सेकंड, पवन वर्मा जी भी जुड़ गए हमारे साथ, लोकतंत्र अभी आया है, उनसे संपर्क पहले नहीं हो पाया था। पवन वर्मा जी अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि पवन जी भी बोल लें, फिर संबित जी दोनों का एक साथ जवाब दीजिएगा। पवन वर्मा जी, ये सवाल बहुत जरूरी है, कांग्रेस पार्टी का जो रुख है क्या आप लोग भी साथ खड़े हैं? जब सुषमा स्वराज खुद कह रही है वो बयान देने को तैयार है, फिर भी कार्यवाही नहीं होने देना, बहस नहीं होने देना, उनका बयान नहीं होने देना? मैं अंजना जी, हम चाहते हैं कि संसद चले
पर हम इस मामले में बीजेपी से आग्रह करते हैं कि आप दो तरह के मापदंड ना रखें। सुषमा जी ने सदन के पटल पे कहा था पिछले लोकसभा में कि सदन का न चलना भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। अरुण जेटली ने राज्यसभा में जो लीडर ऑफ द हाउस थे उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि डिसरप्शन ऑफ हाउस ये एक लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है, कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और आप ये भी जानती हैं कि 10 मई 2013 में दो मंत्री थे कांग्रेस के, मैं उनकी तरफ से उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, पर मैं सवाल सिर्फ पूछ रहा हूं। एक का नाम था अश्विनी कुमार, एक का नाम था पवन कुमार बंसल। दोनों के खिलाफ न तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर किए थे अश्विनी कुमार के खिलाफ, न पवन कुमार बंसल सीबीआई की अक्यूज लिस्ट में थे। बीजेपी ने उनका इस्तीफा नैतिकता के आधार पर मांगा और कहा कि सदन नहीं चलेगा जब तक कि वो इस्तीफा नहीं देते। आज जो मुद्दे हैं, जो विषय हैं, जो तथ्य हैं, सुषमा स्वराज जी के कॉन्डक्ट को लेकर के या वसुंधरा जी को या वैपम में हो रहा है, मैं सुषमा जी की तरफ खास बात कर रहा हूं क्योंकि हाउस की वो मेंबर है, उस पर पूरी चर्चा हो चुकी है, वो बयान दे चुकी है, प्रधानमंत्री चुप है। आप बीजेपी चाहती कि किसी तरह मामला को हम अलग कर दें चर्चा के द्वारा। हम कहते हैं आपके मापदंड दोहरे क्यों हैं? दोनों के सवाल का जवाब करते थे, ठीक है, वो आज आप उसी मांग पर यही मैं पूछ रहा हूँ, यही मैं पूछ रहा हूँ, यही भगवान मान जी भी पूछ रहे हैं। पिछली लोकसभा में पिछले 6 महीने बीजेपी ने चलनी नहीं दी, हो गया। अब मैं उत्तर देता हूँ। आप भगवंत मान जी ने पूछा कि आप इसी प्रकार के डिसरप्शन कर रहे थे, वो तो चर्चा को तैयार थे। मैं आपको याद दिलाऊं स्पेक्ट्रम के मामले में वो किस प्रकार के चर्चा को तैयार थे। इस प्रकार का हाथ करके कपिल सिब्बल कहते थे जीरो लॉस हुआ है, क्या चर्चा करोगे? जब देश के ट्रेजरी से कुछ भी नहीं लूटा, जीरो लॉस हुआ है, तो किस प्रकार का चर्चा आप करना चाहते थे? तो स्वाभाविक रूप से हमारे चर्चा, ये बीच में मत बोलिए, मैं पूरा कर लूं उसके बाद आप बोलिएगा, मैं पूरा कर लूं उसके बाद आप बोल लीजिएगा, मैं पूरा कर लूं, ये ठीक नहीं, मैं पूरा कर लूं प्लीज। ये देखिए, ये इस प्रकार से चर्चा नहीं हो सकता है। मैं सबको ध्यान से सुन रहा था, मुझे पूरा करने का मौका दिया जाए। आप जीरो लॉस बता रहे थे, हमारे चर्चा के कारण पीएसी का गठन हुआ, पीएसी के साथ भी आप लोगों ने किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, यह भी पूरे संसार ने देखा है। जहां तक पवन बंसल का सवाल है और जहां तक अश्विनी जी का सवाल है, आपको याद होगा पवन बंसल जी अर्थात मामा के भांजे को गिरफ्तार किया गया, रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया, और फिर भी मामा को बचाने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी। अश्विनी कुमार जी के लिए आपको याद है अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में जाके कहा था कि नहीं, ये फाइलें अश्विनी जी ने नहीं देखा है, कानून मंत्री ने नहीं देखा है, मगर बाद में इसी अश्विनी कुमार जी ने माना कि कोर्ट के कहने के बावजूद भी इन्होंने फाइल्स देखे थे और वेटिंग करने की कोशिश की थी, इस कारण से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। संबित जी वापस लौटिए जरा, ये घूम फिर कर दोनों के मामलों पर आप पहुंच गए। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इस देश की संसद का वक्त बर्बाद करने के आप भी उतने गुनहगार नहीं हैं जितने कि ये दिखाई दे रहे हैं? इसका जवाब दीजिएगा, उलझाइएगा मत एक एक मिनिस्टर का नाम लेके और मामा भांजे में। यही पूछ रहा था, ये सवाल है कि क्या आप भी गुनहगार नहीं हैं? आप भी गुनहगार नहीं है उन 10 वर्षों में? बिल्कुल, मैं बता रहा हूं आपको, जो जीरो लॉस की थ्योरी फ्लोट की गई, अगर हम आवाज नहीं उठाते, संसद का वक्त, हम आवाज नहीं उठाते, तो 3 लाख करोड़ रुपए का जो फायदा अब हिंदुस्तान को हुआ है वो नहीं होता। हमारे आवाज उठाने के कारण ही हिंदुस्तान को 3 लाख करोड़ का फायदा। पुनिया साहब, देखिए पुनिया साहब, आप उम्र में सबसे बड़े हैं, मगर सबसे अपरिपक्व नेता की तरह आप यहाँ व्यवहार कर रहे हैं। आपके पास जवाब नहीं है, बीच में क्या कर रहे हैं? बात मत करिए। नहीं नहीं, आप सबसे बड़े होते हुए भी उम्र में जिस प्रकार बच्चों की तरह हो रहे हैं डिबेट में, ये बड़ा चिंता का विषय है। जब आपको बीच में आप इस प्रकार से क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप इस प्रकार क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? बीच में भगवंत मान बैठे हैं, वो इसे बोल रहे हैं क्या? आप ऐसे बीच में क्यों हो रहे हैं? प्लीज पवन जी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मान साहब जल्दी बोलना चाह रहे हैं। बहुत जल्दी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि संबित जी भी मानेंगे इस बात को कि भी किसी भी नैतिक लोकतंत्र में अगर इस तरह के घोटाले या स्कैम्स हो रहे हों, चाहे वो मनमोहन सिंह के जमाने के हों चाहे अब के, ये
मेरे समझ के तो बाहर है, और मेरा ख्याल देशवासी भी ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों है, ना तो वो उस पर कोई बयान देते हैं। हाँ, इस पर तो लंबी बहस हो गई, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कैप्टन है तो कैप्टन बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब कुछ क्यों करेगा। मैं आपको बताता हूँ, आप कोई और लोकतंत्र ले लीजिए जहाँ एक वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में चर्चा हो रही हो और दो मुख्यमंत्री उसी सरकार के हो, वहाँ चर्चा हो रही हो और प्रधानमंत्री जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट है और उस पार्टी का भी मुखिया, वो चुप्पी साधे रहे। मनमोहन सिंह कम बोलते थे, शायद उनका टेम्परमेंट ऐसा था। संबे जी आपने एक लंबा जवाब अभी दिया है, भगवंत मान जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से उनका रिएक्शन हो, फिर ब्रेक के बाद आपके पास फौरन आऊंगी। भगवंत मान जी, ये प्रधानमंत्री की चुप्पी क्या इतना बड़ा विषय बनाया जा सकता है कि कार्यवाही ना होने? देखिए देखिए, ये इस बात पे तो पूरा विपक्ष एकमत है कि प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, पहले भी जवाब देना चाहिए था। अब जो कह रहे हैं कि सुषमा जी अपना पक्ष रखेंगी, सुषमा जी ने अभी तक मीडिया में कोई पक्ष नहीं रखा कि वो मानवता, कौन सी मानवता है जो अपराधियों के, या जो आर्थिक अपराधी हैं, जो कानून के भगौड़े हैं, उनको कैसे, कैसी मानवता के आधार पर जो हेल्प की जा रही है, उनकी सहायता की जा रही है आउट ऑफ द वे जाकर। क्या विदेश मंत्रालय से जो हो रहा है, देश का पक्ष रखा जा रहा है कि इंग्लैंड के साथ, यूके के साथ हमारे संबंधों में कोई फर्क नहीं आएगा, क्या ऐसी इतनी बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री जी की जानकारी के बिना हो रही हैं? ये तो सवाल संसद में उठेंगे, इस पर जवाब प्रधानमंत्री जी को देना हो। ठीक है, इसी सवाल का जवाब लेंगे। संबित पात्रा जी लौटते ही आपके पास आएंगे, क्योंकि जवाब सबका आपको देना है, पुनिया साहब का भी, इसी के साथ आपको भगवंत मान जी का भी और पवन वर्मा जी का। लेकिन जिस मानवता की दुहाई देते हुए सुषमा स्वराज ने अपने काम को सही ठहराया था, उसी मानवता का इंतजार इस देश के न जाने कितने सारे कैंसर पेशेंट्स कर रहे होंगे। उधर तो कभी विदेश मंत्री की नजरें देखी नहीं गई, आप देखते रहिए आज तक। प्रधानमंत्री की चुप्पी और तीनों का इस्तीफा पीछा नहीं छोड़ता दिख रहा है। संबित जी, सभी के सवालों का जवाब संक्षेप, देखिए बहुत ही संक्षेप में मैं बता दूं, चाहे लखवी हो, चाहे मसरत आलम का विषय हो, चाहे साध्वी निरंजना का विषय हो, चाहे गजेंद्र सिंह का विषय हो, इन सभी विषयों पे ऑन डिमांड प्रधानमंत्री जी ने संसद के पटल पे अपने वक्तव्य को रखा, मगर उनके वक्तव्य के तुरंत बाद कांग्रेस और विपक्ष ने वॉकआउट किया। आप तो जो बोल रहे थे विषय को रखा गया, फिर भी आपने वॉकआउट किया। ये बहस नहीं चाहते हैं, ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि किस प्रकार से संसद को काम करने से रोका जाए और विकास के पथ पे इसी बहाने के बीच रास्ता निकालना भी सत्ता पक्ष का ही हमेशा काम होता है और उसी की जिम्मेदारी होती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए आज तक।